अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अलिसबा क्रिस्पी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की चाट की रेसिपी। तो आइए हम कैसे बनाते हैं हम बताते हैं आपको, बहुत ही लाजवाब बहुत परफेक्ट मेरे तरीके से बनाएंगे, तो आप जो है कटोरियां चाट चाट के चना खा जाएंगे। इतना टेस्टी इतना लाजवाब ये बनता है चना चाट। तो काले चने की मतलब चाट आप बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से अगर आप एक बार जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ और मेरे बनाने का क्या तरीका है और उसका टेस्ट क्या है। और बहुत ही परफेक्ट इस तरीके से बनके तैयार होता है चना चाट। तो काले चने चाट की रेसिपी हम आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल लेके आई हूँ और तरह तरह की चाट की रेसिपी हमने डाला है, हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल झटपट बनने वाला और सैंपल और बिल्कुल आसान तरीके का मेरा सारा रेसिपी रहता है। तो आइए हम रख देते हैं भगोना, गरम हो जाता है, उसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, और एक छोटा प्याज हमने काट के डाल दिया है। इसको हम हल्का सा लाइट जो है ब्राउन करेंगे, यानी हल्का सा सोटी करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो है हमें डालना है चना। तो देखिए हमारा जो है ये प्याज थोड़ा थोड़ा गल गया है, हमने चना लिया था 100 ग्राम के करीब। अपने फैमिली के हिसाब से मैं सारी चीजें बनाती हूँ, जितनी मेरी फैमिली है उतना मैं बनाती हूँ, ज्यादा अगर कहीं अफ्तारी भेजना हुआ तो ज्यादा बनाती हूँ। तो ये 100 ग्राम चना हमने रात में भिगा दिया था और इसको हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया है। तो ये देखिए चने को फिर हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा एक से दो मिनट तक इसको हम जो है फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम काला नमक, काला नमक का टेस्ट आप लोगों को पता होगा कितना बढ़िया आता है। और इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच सादा नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। और यह हमने लिया है चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच चना मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चीजें जो है हम अपने फैमिली के हिसाब से जितना मुझे बनाना रहता है उतना मसाला मैं लेती हूँ। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो मसाले की क्वांटिटी अगर आप डबल कर दीजिएगा। अगर आप 1/2 किलो चना बनाते हैं तो 2-2 चम्मच के हिसाब से लीजिएगा, अगर 250 ग्राम चना बनाते हैं तो 1-1 चम्मच के हिसाब से लीजिएगा। और ये हमने ले लिया है 1/2 नींबू का रस, ज्यादा बनाना है तो आप 1 नींबू का रस रखिएगा, इसलिए कि हमने इसमें जो है चाट मसाले भी डाले हैं तो उसमें भी खट्टापन होता है। तो 1/2 नींबू का रस हमारे हिसाब से परफेक्ट है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी, इसको थोड़ा सा मसाले को हम भून लेंगे। और ये मसाला हमारा भुन गया, चना भी उसी के साथ भुन गया कि मसाले का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा 1 मुट्ठी प्याज, 1/2 प्याज है काट के हम डाल दिए हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा मिर्चा, और उसके बाद डाल देंगे 1/2 कटा हुआ टमाटर बारीक, वो भी इसमें हम डाल देंगे। पुदीने के पत्ते तो आपको जो है पता होगा पुदीने के कितने फायदे होते हैं, और गर्मी का वो चल रहा है तो पुदीना बहुत ही फायदेमंद होता है पेट के लिए। और ये डाल दिया हमने टमाटर, और इसको गैस को हमने बंद कर दिया है, गैस को हम चालू रखेंगे तो सारी चीजें जो है हमारी गल जाएंगी तो चाट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो गैस को हमने बंद कर दिया, चना हमारा ठंडा हो गया है और उसी पे इसी तरीके से हम पूरा डाल दिए हैं। तो चलिए वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।